आप देश को क्यों लूटना चाहते हो, क्यों बर्बाद करना चाहते हो, ब्याज के पैसे से क्यों आगरा, देश को चलाना चाहते हो, लाल आप अपने जी चुनाव का आगरा फायदा तुम उठाने के जाइए, लिए 15 लाख करोड़ रुपए क्यों यूज करना चाहते हो। मेरा क्वेश्चन पढ़े ये है, लिखे, मैंने अभी पढ़े आपसे लिखे सिर्फ स्पेसिफिक के भाजपा में बारे में नहीं, नहीं आम पूछा। आदमी पार्टी में भी लोग हैं रावल साहब। शिव मोहन जी नहीं, ही हैज हिज मोमेंट टुडे, कोई बात नहीं। शिव मोहन जी जी, ये आपका सवाल जो ये पूछना है कि 33% जो पैसा है वो कर्ज का है, आप याद कीजिए ऐसा समय भी जब हमारा इससे अधिक जो है, हमने इससे अधिक प्रतिशत में कर्ज लिया है। कर्ज लेना नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, यह है कि उस आपकी नहीं, गण, शिव मोहन जी ऐसे आपकी अपनी गणगारी बात कम नहीं है। नहीं, करेंगे, आपकी आप अगर केवल सवाल ही आपकी पूछते गण, शिव रहेंगे, मोहन जी एक उत्तर दे रहे, बार उत्तर सुन देने का लीजिए, अवसर ही नहीं शिव मोहन जी देंगे। एक बार सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। उत्तर मैं भी आपके साथ खड़ा उत्तर हूं, हम घेरेंगे, मिलकर घेरेंगे। जी, तो हम ये ध्यान करें कि क्वालिटेटिव क्या है, ये कर्ज का पैसा जो है क्या सही स्थान पर लग रहा है। आईएमएफ ने भारत की रेटिंग को बढ़ाया है, हमारी कर्ज लेने की कैपेसिटी को बढ़ाया है। हमारे जिन मुल्कों का आपने नाम लिया और जिन मुल्कों पर आपकी जहां इक्का दुक्का सरकार चल रही है, बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पर चल रही है। पंजाब की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, वो ठीक उसी प्रकार से चल रही है, वो कर्ज मांग कर ही चल रही है। लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर ज्ञान बगाड़ने से नहीं बाज आते, कोई बात नहीं। इसका भी जवाब यह है कि आईएमएफ हमारी रेटिंग को बढ़ा रहा है, हमारी कर्ज लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है, और ये जी हमारा भी बहुत अधिक अधिक जो कर्ज है वो बहुत सारे हमारे मित्र देशों में जाता है, लगता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। दिस इज अ बजट ऑफ होप, एक जी ऐसा बजट जो कि एसेट्स क्रिएट कर रहा है। यशपाल जी, समझने जी का अवसर है ये यहाँ लेकिन पर हमने राहुल जी, हम जब एक छोटी सी फिगर मैं आपके सामने रखता हूं। 4 लाख करोड़ प्रदेश पर आज कर्ज है, और अगर प्रति परिवार बात की जाए तो 1,82,000 प्रति परिवार कर्ज बढ़ता जाए। अगर 8 साल में आपने प्रदेश का विकास किया है तो ये कर्ज बढ़ क्यों रहा है, प्रति व्यक्ति कर्ज प्रति परिवार बढ़ क्यों रहा है? मैं आंकड़ों पर नहीं ये जाऊंगा, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि कर्ज क्यों रहा यशपाल जी आपने आंकड़े पूछकर सवाल किया है, आंकड़ों से ही है। इसका जवाब दिया जा सकता है। पहली बात तो ये 4 लाख करोड़ नहीं है, पहली बात तो जी। ये 4 लाख करोड़ नहीं है, ये 2,89,000 करोड़ है। लेकिन हुड्डा जी साहब इसको कभी 3.25 लाख बोल देते हैं, कभी 3.5 बोल देते हैं, लेकिन खैर आपने उनका शायद कहीं से फिगर पकड़ लिया होगा। 4 लाख का, 4 लाख करोड़ नहीं है, लेकिन ये हमारा जीडीपी टू जी जो हमारा जीएसडीपी है, जीएसडीपी के जी अनुपात में अगर इस रेशियो को देखें तो ये 24% के करीब है, जबकि हमें अलाउड किया गया है आरबीआई द्वारा जो है वो हमें 25% तक अलाउड है। हमारे पड़ोस के राज्य राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 40% 39% तक कर्ज है। पंजाब के हमारे साथी जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वहां पर 53% कर्ज है, और कर्ज का कटोरा लेकर ये आगे के लिए भी खड़े हैं, आगे भी वो तो कर्ज दिया नहीं जा रहा है, नहीं तो इनका बस चले तो 60% कर दें। लेकिन कहने की राहुल बात जी, यह है, एक और राहुल मुझे ये जी बताने दीजिए, जो 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 हमारा आखिरी डिफिसिट नहीं जो डिफिसिट रेशियो है, जी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो 3% अब तक डिफिसिट रेशियो रहा करता था आऊंगा। उसको बढ़ाकर 5% तक कर दिया। लेकिन खूबसूरती क्या है कि हरियाणा तो पहले से ही 3% से कम चल रहा है। हरियाणा उन गिने चुने राज्यों में है जो 3% भी नहीं, 2.91% जो है डिफिसिट रेशियो हमारा चलिए रहा है। लेकिन चलिए, लेकिन मैं इसके सहमत हूँ बावजूद भी जी, राहुल जी मैं एक सहमत बहुत हूँ। अच्छी इकोनॉमी, मुझे एक मुझे इकोनॉमी मेरे मेरे जो दर्शक है, इतने बड़े वो अर्थशास्त्री नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब हुड्डा साहब से आपके पास सत्ता हस्तांतरित हुई थी, प्रति व्यक्ति कितना कर्ज हरियाणा वासियों के सर पर था, और आज 8 साल के बाद, 8.5 साल के बाद प्रति व्यक्ति प्रति परिवार कितना है, बस इतना बता दीजिए। फिर मैं कृष्ण कुमार जी, मैं हमारे बीच परिवार में हैं, इन दोनों के प्रति साथ में प्र उनके पास सुनिए जाऊंगा। सुनिए इसको समझने की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति जी प्रति परिवार कर्ज नहीं होता, प्रति व्यक्ति जी आय होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रति व्यक्ति आय 1,33,000 छोड़कर गए थे प्रति साल की, हमने उसको जी बढ़ाकर आज 2,75,000, दुगने से भी ज्यादा 8 साल में कर दिया। हरियाणा का बजट का साइज उस समय क्या था आप अच्छे से जानते हैं, 30,000 करोड़ का बजट था, आज वो बढ़कर 3 लाख करोड़ के करीब करीब पहुंच रहा है, 10 गुना बढ़ा दिया। लेकिन ये मिसलीडिंग है ये कहना कि किसी बच्चे के ऊपर इतना कर्ज है, किसी परिवार के ऊपर इतना कर्ज है, नहीं है साहब, ये एक हाँ, व्यवस्था है, टोटल ये मिसलीडिंग है ये टोटल कहना। कर्ज को एवरेज
लोगों के एवरेज में अगर बांटेंगे वो आ जाता है। क्यों करें? क्यों करना चाहते हैं तो मत बताइए, लोगों को नहीं करना है ये। अच्छा चलिए इस हिसाब से देखें, अगर तो इसको यूएसडी के हिसाब, अच्छा चलिए इसको एक सरल तरीके से कर सकते हैं हम, इसको यूएस डॉलर के हिसाब से अगर मैं समझा देता हूँ, अगर बता दीजिए ना, देखिए आपके विरोधी हैं, आपके विपक्षी हैं, वो जनता को बता रहे हैं कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे अवसर देंगे तो मैं समझा दूंगा। नहीं मैं गोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं तथ्य और आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ, आप आपके मन मुताबिक उत्तर ना हो लेकिन मैं तथ्य और आंकड़े से बात कर रहा हूँ। चलो दुनिया में सबसे विकसित किसी देश की इकोनॉमी है तो किसकी मान लेंगे आप, अमेरिका की मानेंगे, यूएस की मानेंगे? तो यूएस के प्रत्येक बच्चा जो पैदा होता है, आप वाले लॉजिक से लें, अगर मैं इस लॉजिक को ठीक नहीं मानता हूं लेकिन आपके लॉजिक से लें, तो वो प्रति बच्चा जो है वो $600 का कर्ज लेकर पैदा होता है, $600 का कर्ज लेकर पैदा होता है। उसकी अगर तुलना हरियाणा के आप ये कर्ज से कर रहे हैं तो ये तो $33 बन रहा है। तो यूएस तो इसका मतलब बहुत पहले बर्बाद भी हो चुका है, उसको तो वो तो उसकी तो हालत बुरी हो चुकी है, क्योंकि ये लॉजिक ही गलत है, ये लॉजिक ही गलत है। प्रति व्यक्ति कर्ज नहीं होता, ये राजनीतिक भाषा है, प्रति व्यक्ति कभी कर्ज नहीं हुआ आज तक, किसी कर्ज देने वाले ने पॉपुलेशन का आकलन करके कर्ज नहीं दिया, ना ही कर्ज वापस देने वाला पॉपुलेशन का आकलन करता है। ये राजनीतिक तौर पर बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये कहा जाता है प्रति व्यक्ति कर्ज, ये नई टर्म है, ये राजनीतिक टर्म है, इकोनॉमिक्स में इसका कोई स्थान नहीं है। चलिए बिल्कुल, और मैंने इसमें अमेरिका का उदाहरण देकर आपको बता दिया। इस टर्म को सिर्फ भाजपा घेरने के लिए इजाद किया गया, मैं सहमत हूँ। मोहन जी मैं आऊंगा आपसे पहले हमारे